जिनकी मौत की खबर एकदम झूठी निकली, पूनम पांडे खुद कैमरे के सामने आई और कहा कि वो सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए उन्होंने ये किया था। लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूनम की जमकर आलोचना भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को जिस खबर ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी, वो थी एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को लेकर। उनकी मौत की खबर सामने आई थी और इसके पीछे की वजह सर्वाइकल कैंसर का होना बताया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वही पूनम पांडे सबके सामने प्रकट हो गई, जिससे मौत की खबर एकदम झूठी निकली। शुक्रवार के दिन जैसे ही उनके निधन की खबर आई थी, सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्हीं की बात हो रही थी। लेकिन इस खबर की अब हवा निकल चुकी है। पूनम पांडे ने खुद मीडिया के सामने आकर सच्चाई बताई है। पूनम अपने बयान में सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जागरूकता के लिए उन्होंने ऐसा किया है। It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. दरअसल जब से उनकी मौत की खबर सामने आई थी, उसको लेकर भी लोगों में अलग अलग राय बटी हुई थी। उनके चाहने वाले जहां उनकी मौत पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, वो बेहद दुखी थे, तो वहीं कई लोग खबर को झूठा बता रहे थे। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें करीब से जानने वाले लोग भी पूनम पांडे की मौत की खबर को लेकर आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपना नया वीडियो शेयर किया था, जिसमें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है। वो एकदम फिट नजर आ रही थी। वो एक क्रूज पर स्टाइलिश अंदाज में चलती और एंजॉय करती नजर आई थी। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी थी। अब जब पूनम पांडे खुद सामने आ गई हैं, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा पब्लिसिटी स्टंट है, जिसमें इंसान झूठी मौत की खबर भी पोस्ट करने से गुरेज नहीं कर रहा। दरअसल शुक्रवार के दिन पूनम पांडे की मौत की खबर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर की गई। पूनम पांडे की टीम की तरफ से पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें उनके सर्वाइकल कैंसर से निधन होने की बात कही गई थी। पूनम पांडे के मैनेजर का कहना था कि कुछ वक्त पहले पूनम को कैंसर से पीड़ित पाया गया। ये कैंसर का आखिरी स्टेज था। वो कानपुर अपने घर में रहकर अपना इलाज करवा रही थी। कानपुर में ही पूनम के अंतिम संस्कार की भी बात कही गई थी। पूनम पांडे एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है, और यही नहीं, एक और वजह भी थी कि अधिकतर लोग उनकी मौत की खबर को सच नहीं मान रहे थे। मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पूनम पांडे ने साल 2013 में फिल्म नशा के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का नहीं चल पाया। कुछ फिल्में करने के बाद जल्द ही बॉलीवुड से वो गायब हो गई। उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी उन्हें देखा गया था। ये वही पूनम पांडे थी जिन्होंने 2011 में कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो न्यूड पोज करेंगी। जाहिर है ये पूनम पांडे का पब्लिसिटी स्टंट था। सोशल मीडिया पर अब कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब पूनम पांडे भले ही कह रही हो कि उन्होंने बीमारी की जागरूकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन उनके प्रशंसक भी मान रहे हैं कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुक रहे हैं।